सो गाइस तपाईहरु सम्पूर्णले हैन भिडियोलाई लाइक गर्दिनु होला हैन अनि शेयर गर्दिनु होला कमेन्ट गर्दिनु होला र सब्स्क्राइब गरेर त्यो साइडमा रहेको घण्टा नि दबाइदिनु होला। यो गाइस हामी हिँडिसक्यो हेर्नु हैन सरर हिजो आएको बाटो अब हामी रिटर्न हुने वाला छौ। अनि अगाडि पछि सर म सरको साथमा कस्तो लागिरहेको छ त दस दिन के नभिट्यो सो अब हामी जाँदैछौँ। अब हामी जाने कहाँ भनेको सिमेन्ट फ्याक्ट्री होइन, त्यसपछि जाने घर मुक्काई चाहिँ भाइरल रोड होइन, भाइरल रोड हुन्छ खतरा छ, रोड बेसी खतरा आउँछ अरे होइन। सो गाइज हामी आइसकेको छौँ रिदी सिधी सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा होइन, यहाँ छ सिमेन्ट फ्याक्ट्री। अब त्यो भित्र गएर हामी अब अनुसन्धान गर्नेवाला छौँ, हामी भित्र होइन गएर सिमेन्ट कसरी बन्छ सन्छ त्यो हेर्ने हो। सिमेन्ट फ्याक्ट्री मन त बन्छ कसरी सन्छ भन्ने बानी भइहाल्छ। सो अब हामी जाँदैछौँ, आउँ सर पछि जाउँ जाउँ भित्र। अब हामी लाइन लागेर जाँदैछौँ होइन, यही छ बात। अब जाँदैछ भित्र, अनुहार त सफा धनुवा जस्तो साला कपासमा झर्क झर्क गरेर मेरो अगाडि चाहिँ विद्यालय छोडा छ र हामी चाहिँ मिसै पिसो सरलाई अगाडि अगाडि जान्देऊ, पहिला सर जाने हुनुहुन्छ पछाडि हामीहरू छौँ। हेर्नुहोस् हामी चाहिँ यहाँ वेट गर्छौँ यहाँ लाइन लागेर हेर्नु, अहिले अब आउँछ भित्रबाट मान्छे हेर्नु, त्यसपछि हामी जाने भित्र। पुरा डिसिप्लिनको साथमा छौँ, आज डिसिप्लिन आज डिसिप्लिन देखाइदिएको हामीहरू पनि अलिअलि। गाइड सिमेन्ट फ्याक्ट्री होइन, रिदी सिधी सिमेन्ट फ्याक्ट्री हेर्नुहोस् के हो भित्र गए थाहा लाग्छ सब चिज। सो हामी चिया बिर्सनाको होइन बिता ग्रुप बनाएर छौँ र हामी छिरिरहेको छौँ, एन्ट्री हानिसकेको छौँ हामी। अब कता लान्छ थाहा लाग्छ। सो हामी जाँदैछ माथि हेर्नु होइन सबजना, पुरा एकदम लाइन लागेर डिसिप्लिनको साथ हिँड्नु जान्छौँ हामी। गाइस हामी त्यहाँबाट हेर्नु चढ्दा चढ्दा आइसक्यो यहाँ पाहाडमा चढिरहेको छु अहिले, त्यो पाहाड छ पुरा सबै हामी यहाँ कुरो गर्छौँ। अनि यहाँबाट प्रेसरमा जान्छौँ तल, प्रेसरपछि यो सबैलाई मिसनको साइज रिड्युस भएर 40-50 mm 40-50 mm साइज हाम्रो रमिलको लागि जान्छ। यहाँ क्रसरमा हामी अप टु 1000 मतलब 1 मिटरसम्मको ढुङ्गा यहाँ क्रस गर्न सक्छौँ। इयरली 800-900 करोड इयरली सिमेन्ट यहाँबाट, त्यति पैसाको बिक्री भइहाल्छ। के लिए हीटिंग में जैसे पहले ही बताया था 1400 डिग्री में इसको पकाया जाता है, 1400 डिग्री सेल्सियस 12000 पकाया जाता है। तो उतना हीट पैदा करने के लिए हम लोगों के पास तो मतलब उसका फ्यूल तो चाहिए ही चाहिए। फ्यूल तो फ्यूल में भी जो है उसमें भी जो है कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगा, और कोयला से बढ़कर मतलब कुछ तो है ही नहीं, सस्ता नहीं है नहीं है। और उतना थोड़ा देर तक जो हीट जो है उसको पकड़ के भी रख सकता है, तो इसलिए मेनली जो है कोयला यूज़ किया जाता है। कहीं पे कोयला भी होता है, कहीं पे पेट कोक भी होता है, अभी हमारा कोयला ही है नॉर्मली। कभी अफ्रीकन कोल भी आते हैं, इंडियन कोल भी आते हैं, वो भी इंपोर्ट किया जाता है। हाँ सब कि नेपाल में तो नहीं है। हाँ मैक्सिमम चीज़ जो है हम लोगों का बॉडी, तो वहाँ पे वही सेम प्रोसीड्योर है, सब में बेल्ट काउंट भी लगा हुआ है। ये भी जाके जो है रॉ मिल का रॉ मिल जो है उसको हम लोग जाऊंगा वहाँ पे भी,
उससे पहले रोमिन के पहले बैचिंग सिस्टम है, बैचिंग सिस्टम बोला तो मिक्सिंग का प्रोपोर्शन क्या है। अभी यहाँ पे मैं प्रोपोर्शन बोल दूँ तो वो करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा लाइमस्टोन के अकॉर्डिंग टू हमारा लाइमस्टोन उसके हिसाब से जो है परसेंटेज मिलाया जाता है, ये रिलेटेड है। तो उसके लिए जो है अलग अलग हॉपर रखा हुआ है, लाइमस्टोन का हॉपर है, आयरन ओर का हॉपर है, क्ले का हॉपर है, उसमें जो है सब में जो वेट से लगा हुआ है परसेंटेज के हिसाब से जो है वो लेके उसके बाद बेलकॉन वेयर होके वो मल जाता है रॉ मिल वहाँ पे जाके पाउडर बना के रॉ मिल साइलो में स्टॉक होता है, पाउडर फॉर्म में ग्राइंडिंग करके वो रॉ मिल में हमारा रॉ मिल साइलो में यूज़ किया जाता है, इसको ब्लेंडिंग साइलो भी बोलते हैं। ये सब चीज़ भी है हम लोग दिखा के, अभी यहाँ का जो बोला ये मोटा मोटी क्लियर है जी। त्यो रकल हाम्रो यहाँ स्टक हुन्छ, स्ट्याकर र रिक्लाइमर यही यार्डमा हुन्छ। स्ट्याकर भनेको हाम्रो जुन क्रस गरेको पोल आइरहेको छ त्यसलाई स्ट्याक गर्ने, र रिक्लाइमर भनेको त्यही कोइलालाई मिक्स गरेर हाम्रो पोल मिलाउनु पठाउँछ किलोको लागि। भनेपछि यहाँ कोल स्टोर गर्ने कोल भनेको त कोइला हुन्छ नि, कोइलालाई यहाँ स्टोर गर्ने त्यो त इम्पोर्ट हुन्छ बाहिरलाई भन्नाले, त्यसको मेन काम हिटिङको लागि फ्युल युज गरेको होइन त, एज अ फ्युल अरूभन्दा चिप पर्छ त्यही भएर है। सर किधर जा रहे हैं अभी हम लोग? अभी हम लोग क्या हमारा क्लिंक कर रहे जो सन जो यूनिट जो है जी जी, इसका हमारा जो लाइम स्टोन क्लासर को जुड़ा है वहाँ से अभी कहाँ पे हम लोग स्टॉक करते हैं जी। सेम ये हमारा जो ये जो कोल सेट जो है ना, कोल स्टैका रिक्लेमर जो बोला हूँ ना, हाँ हाँ, ये सेम चीज़ यहाँ पर भी है, स्टैका रिक्लेमर, ये कोल स्टैका रिक्लेमर हो गया, अभी हम लोग जाऊँगा लाइम स्टोन स्टैका रिक्लेमर। यही कोइला छ होइन, कोइल युज हुन्छ हिट दिनको लागि, टेम्परेचर होइन नि कोइला भन्दै होइन, यतातिर मतलब मिसिन यो देखाएको हो घर देखाएको हस् हस् किन किन छ सबै खुलामा हुन्छ नि होइन, किनभने सबै खुलामा देख्छ तर मैले खुलामा होइन, खुलामा हुँदैन मात्रै हो हेर्नु, सबै फौजहरू हिँडिरहेको छु, हामी पनि हिँडिरहेको छु होइन, साउन्ड आएर होला कि छैन, यहाँ धेरै आवाज आइरहेको छ, मिसिनहरू चलिरहेको छ, साउन्ड धेरै आइरहेको छ, ठिक छ ठिक छ, रोबोटिक ल्याबले आफै डिसाइड गरेर हाम्रो लाइमस्टोनको क्वान्टिटी बढाउनु पर्ने हो कि घटाउनु पर्ने हो, त्यो वेब फिडरलाई आफै कमान्ड गरेर घटाइ बढाइ जे गर्नु छ त्यो सबै आफै गर्छ। अनि हिटिङ गरिन्छ नि, त्यो ग्राइन्डिङभन्दा अगाडि गरिन्छ कि ग्राइन्डिङ गरिन्छ? ग्राइन्डिङ पछि हिटिङ गरिन्छ। अनि त्यो फाइन पाउडरमा बनाउँछ, ग्राइन्डिङ गर्दा सुरुमै फाइन बनाइदिन्छ कि सुरु ग्राइन्डिङ गर्दा फाइन हुन्छ? अनि त्यसपछि हिट गर्नु स्ट्याकर है, साइड का जो है स्ट्याकर स्ट्याक करता है, और ये साइड में जो है राइट साइड में वो रिक्लेम करके जो है हमारा ग्रामीण के लिए वो भेजता है, वो जो दो हॉपर दिखाया दो में लाइम स्टोन रहता है तो ये भेजता है यहाँ से। हिट गर्छ कि सिमेन्ट बढाउनको लागि, कोलमिल जो है यहाँ त्यसपछि बाहिर आउँदैन होइन, बाहिर आउनु दिन नदिनको लागि कोइलाले हिट गर्ने हो, अघि नै भनिसक्नु फेरि भन्नुभयो होइन, कोइलाको मतलब डस्ट बनाएको छ होइन, त्यसलाई फाल्ने काम यसरी फाल्ने काम चाहिँ घर्षण गर्ने, अब घर्षण गरेपछि जस्तै अब हामी ढुङ्गामा ढुङ्गा हान्छौँ नि अनि आगो बल्छ नि, त्यसरी नै यहाँ पनि त्यसरी नै त्यो कोइला फालेपछि अनि अगाडि हिट मतलब आगो बल्छ। सीमेंट तो पहले का स्टेप यही है पहला स्टेप, इसका क्वालिटी जितना अच्छा कर पाओगे उतना अच्छा हमारा सीमेंट का जो है। ये कितने प्रोसेस से होकर यहाँ पर आता है? कितने प्रोसेस से होकर यहाँ पर आता है? इतना प्रोसेस बोले तो लासिंग, क्रासिंग हो गया लाइमस्टोन, उसके बाद मिक्सिंग हो गया दो, उसके बाद हीटिंग, तीन प्रोसेस मान सकते हैं, तीन प्रोसेस में जो है वो यहाँ पे आ जाए। इसमें तो कोई अभी तो प्रोपोर्शन नहीं मिला हुआ है सर, इसमें तो अभी कोई प्रोपोर्शन नहीं मिला हुआ है,
इसमें मिला हुआ है ना, इसमें हमारा आयरन ओर और क्ले कितने मात्रा में तो मात्रा तो ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, मतलब अभी मैं बताऊंगा तो हमारा ये लाइमस्टोन के हिसाब से इसको मिलाया जाता है, मेटल के हिसाब से मिलाया जाता है, जितना क्वांटिटी होगा उसी हिसाब से। हाँ, जैसे हमारा लाइमस्टोन का क्वालिटी जैसे होगा। सर वो वहाँ पर एक तो होगा स्टॉक होकर वहाँ पर क्लिंकर डाला जाता है, मतलब मिक्स करा जाता है कि वैसे ही मतलब एक बार मिक्स हो तो वहाँ पर फुल हो जाए। वहाँ पे हम लोग हॉपर देखे है ना, ये नीचे से भी जो है कन्वेयर है, कन्वेयर होके यही जो क्लिंकर जो है जाएगा हमारा सीमेंट मिल में, सीमेंट मिल में भी हॉपर रखा हुआ है, एक क्लिंकर के लिए दो एडिटिव के लिए। हमारा हम लोग सिविल से है ना, सिविल से हम लोगों को मालूम है कि सीमेंट बनाने के लिए सीमेंट बनाने क्लिंकर के साथ एक चीज जिप्सम मतलब चाहिए जिप्सम कॉमन हो गया जी। अभी हम लोग कौन सा सीमेंट बना रहा है उसके ऊपर, जैसे हम लोग ओपीसी बना रहा है तो क्लिंकर के साथ जिप्सम मिला दिया तो ओपीसी बन गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किया, हम लोगों को पीएससी बनाना है जिप्सम सॉरी क्लिंकर, क्लिंकर के साथ जिप्सम जो है वो तो कॉमन है, उसके साथ हम लोग मिलाया स्लैग जिस क्लिंकर है, ये क्लिंकर हो अब अर्को प्रश्न राख्छ, हामी क्लिंकर चाहिँ बनिसकेन, क्लिंकर बनेको हेर्न सक्नुहुन्छ, अब क्लिंकरबाट अब सिमेन्ट बनाउन तर्फ जान्छ हामी, पहिला क्लिंकर सिमेन्ट बन्छ, अब सिमेन्ट बनाउने प्रोसेसतिर चाहिँ अब जान्छ, क्लिंकर चाहिँ बनिसक्यो सिमेन्ट बनाउने प्रोसेस नै हो, मतलब क्लिंकर भन्दा माथिको प्रोसेसमा अब हामी हेर्न लाग्छौँ। सो हामी जुन चाहिँ हेर्न लाग्छौँ अहिले है, क्वालिटीको जिप्सम पाया जान्छ भुटान जिप्सम, केमिकल जिप्सम सेटिंग टाइम जो है इसी के ऊपर डिपेंड करता है जिप्सम। बिल्डिंग का नाम है सीमेंट मिल फीड, सीमेंट मिल फीड मतलब फीडिंग का काम जो है यहीं से। हमारा 10 किलो क्लिंकर चाहिए, 10 किलो के साथ 1 किलो जिप्सम चाहिए, हमारा स्लैग चाहिए 500 ग्राम, ये सब जो है यहीं पर जो है मिक्सिंग का प्रॉपर, जैसे हमारा हम लोग रॉ मिल में जैसे देखा कि इतना इतना परसेंट में चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ जो है सेंसर लगा हुआ है, कंट्रोल रूम वहाँ पर है, तो वहाँ से होके जो है यहाँ पे मिक्सिंग होके ये मल चला जाता है सीमेंट मिल में। मैं जो बोल रहा था सीमेंट मिल देखने से रॉ मिल पता चल जाएगा, सीमेंट मिल हेरना था वहाँ। कोई कोई जगह में क्या होता है बॉल मिल होता है, जैसे दिखा रहा है सुला हुआ, जैसे हमारा क्लीन घूम रहा है ना वैसे घूमता है, बहुत नॉइज आते हैं यहाँ पे, ये मिल घूमेगा तो यहाँ पे हम लोग जो बात जो है ना बात कर सकते हैं, हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अगर होगा तो वहाँ पे और खास करके ये लोकैलिटी में हम लोग प्लांट लगा ही नहीं सकते, इतना उसका नॉइज है। इंडस्ट्रियल में नेपाल स्टैंडर्ड में 90 dBA है, हम लोग का उसके अंडर में ही रहते हैं, नीचे ही रहते हैं, लेकिन वो बॉल मिल में नहीं हो पाएगा, 160-165 चला जाएगा, बहुत नॉइज है, बहुत अच्छी। ये सबसे अच्छा है, इसमें पावर कंजम्पशन भी कम लगता है, कम पावर में ये घूमता है, उसमें पावर भी ज़्यादा चाहिए, यहाँ ब्रीडिंग भी होता है, हाँ यहाँ पे ग्राइंडिंग होता है, मेन फाइनल स्टेज जो है यहीं पर होता है सीमेंट ग्राइंडिंग, हाँ ग्राइंडिंग, वो ग्राइंडिंग होके एकदम जो है सीमेंट का पाउडर जो हम लोग जो यूज करते हैं वही पाउडर यहीं पर बना के जो है ये फाइनल प्रोडक्शन होता है, यहाँ होके जो है ये हॉपर होके हॉपर में भेज देते हैं, ग्राइंडिंग करके हॉपर में भेज देते हैं, हॉपर होके यहाँ पे यार्ड स्लाइडर लगा हुआ है, यहाँ से जो है साइलो में स्टॉक हो जाता है। पैकिंग पैकिंग का होता है, पैकिंग कसरी हुन्छ त्यो हेरि होला, आज पैकिङ कसरी हुन्छ हेर्दा पाउँछ, अरू हाम्रो टिम टोलेर त गइसक्यो तिनीहरू सिकेर, अनि ठुल्ठुलो इन्जिनियरहरू रहेछ, तिनीहरू धेरै ट्यालेन्टेड इन्जिनियर रहेछ, हामी नट ट्यालेन्टेड इन्जिनियर छौँ। 200 ग्राम करके चेक करके रखिए, उसका सीमेंट जाने के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो नॉजल बैग को कई जगह बेल्ट जो है वो नीचे चला जाए, पैकिंग शुरू हो गया, पैकिंग शुरू भैया पैकिंग हेर्छौँ, बोरा ताना जगह फिर बोरा तान्छ र भित्र गएर प्याकिङ भएर त्यसरी बोराहरू आउँछ, सरासर सरासर एकछिनमै भइहाल्छ होइन, टक्कै तल गएर गाडीमा लोड हुन्छ होइन, तल गाडी छ त्यो डाइरेक्ट गाडीमा लोड हुने हो, म अलिकति हेराउन कोसिस गरिरहेको छु, मिल्छ कि मिल्दैन, माथिबाट आएर चाहिँ लोडिङ भइसक्यो हुन्छ है, यहाँबाट जाँदैछ बेच्नको लागि। मेरो नाम चन्दन घोष है जी, अब कहाँ पुग्छ मैं कलकत्ता सर, एक बार फिर से ये
क्या बोलेंगे एक में फिर से बोल दीजिए। पहले हम लोग लाइमस्टोन को ग्राइंड करेगा जी सर, लाइमस्टोन का इधर में आ जाएगा, लाइमस्टोन क्रासिंग होगा, क्रासिंग करके वो याद में आएगा, याद से रिक्लेमर होके उसके साथ आयरन और क्ले यूज होके मिक्सिंग होके वो चला जाएगा रॉ मिल में, रॉ मिल में पाउडर बना के वो चला जाएगा रॉ मिल साइलो में, रॉ मिल साइलो होकर जाएगा प्री हीटर में, प्री हीटर से वो हीटिंग होके फाइनल हीट में आएगा किलेन में, किलेन किलेन होके कूलर बिल्डिंग में थोड़ा कूल होके स्टॉक यार्ड में हमारा चला जाएगा सीएसपी, सीएसपी से जो है ग्राइंडिंग यूनिट पड़ रहा है, ग्राइंडिंग यूनिट के लिए वो हमारा जो सीमेंट मिल जो है सीमेंट मिल फीड में आ जाएगा क्लिंकर, उसके साथ हम लोग जो जो भी मिलाना है जैसे जिप्सम मिलाना है स्लैग मिलाना है जो भी मिलाना है वो हम लोग मिला के जो सीमेंट जो है सीमेंट ग्राइंडिंग करके फाइनल सीमेंट जो है यार्ड स्लैगर होके आ जाएगा सीमेंट साइलो, सीमेंट साइलो होके यार्ड स्लैगर होके बकेट एलिवेटर होके वो चला जाएगा पैकिंग प्लांट, पैकिंग प्लांट में पैकर पैकर में पैकिंग होके डायरेक्ट हामी सब्जी हेरिसक्यो होइन कसै कसै प्रोसेस हुन्छ भन्नेदेखि प्रोसेसदेखि लिएर लोडिङ सोडिङ सब हेरिसक्यो र अब चाहिँ हामी जान्छौँ गाडीमा, अब हामी निक्लिन्छौँ कहाँ बागमतीको लागि, 10 दिनको हाम्रो हेटौँडाको यात्रा खत्तम भइसक्यो यहाँ, रक यहाँ फोटो खिच्छ हामी यहाँ सरलाई धेरै धेरै दोहोऱ्याएकोमा छ हाम्रो केटाहरू बनाएर चोरी गरेर ल्याएको छ टिसर्ट चोरी गरेर ल्याएको देखाएर टिसर्ट चोरी गरेर ल्याएको होइन सबजना केटाहरू के के लिइहालेको छ, म चाहिँ केही पनि ल्याएको छैन, म चाहिँ भिडियो म चाहिँ खालि ज्ञान गुणको बात लेख्छु, यता मूत्र विसर्जन केन्द्र छ केटाहरू मूत्र विसर्जन गर्दैछ, हामी चाहिँ गएर चाहिँ गाडीमा लोड हुनको लागि होइन लोड भन्नाले हामी गाडीमा अब बस्छौँ छिटो निस्किन्छौँ, गाडी यहाँ छ हेर्न सक्नुहुन्छ अब गाडीमा सजान बसिसकेको छ, हाम्रै टिम पछाडि रहेछ कि हामी धेरै ज्ञान गुणको बात लिइरहेको जस्तो लाग्यो केटाहरू चाहिँ उता केटाहरू हाम्रो केटाहरू पनि सो अब हामी चाहिँ गाडीमा बस्छौँ जान्छौँ अब फटापन्ती गरिरहेको छ सो हामी चढ्दैछौँ होइन चल्दै सिक्यो यो जिप्सन हो, जिप्सन हो मिस्त्री सम्झेर नखाने है जिप्सन हो, सो जिप्सन छिरम भित्र अब बसौँ, हेलो गाइज हाल्यो राम्रो आउँदैन, सो हामी बस्छ गाडीमा हामी निस्किन्छौँ